हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म तथा पूरा वनस्पति विज्ञान ये चल रहा है हमारे। और इसमें हमने लाइकोप्सिडा का सिलेजिनेला ये पढ़ा है, लाइकोप्सिडा प्रभाग का सिलेजिनेला वंश हमने पढ़ा है। और इसमें हमने जड़ की आंतरिक संरचना पढ़ ली थी और आज तने की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ स्टेम। तो तने का जो अनुप्रस्थ काट होता है उसमें हमें क्या क्या संरचनाएँ दिखाई देती है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन और प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें काम आती हैं, तो अच्छे से देखेंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बोटनी और जूलॉजी के वीडियो के लिए बीएससी लेवल के। तो देखते हैं, बाह्य त्वचा सबसे बाहरी और एपिडर्मिस ये एक स्तरीय होती है। इसकी कोशिकाएँ पतली भित्तियुक्त व संपूर्ण या ढोलकाकार होती है। ये एक पतली उपदर्म क्यूटिकल से ढकी रहती है और इसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं, तने में रंध्र नहीं होते हैं। फिर यह वलकुट, बाह्य त्वचा के नीचे हमेशा वलकुट होती है। इसमें बाह्य त्वचा के नीचे 2 से 4 स्तरीय दृढ़ोत की अध्यस्थ त्वचा हाइपोडर्मिस होती है। शेष वलकुट सहंत या कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है और कुछ में पूरा दृढ़ोत की कोशिकाओं में, कुछ अलग अलग जातियों में दृढ़ोत की कोशिकाओं का बना होता है। तो आप देख सकते हैं सिलेजिनेला तने का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। सिलेजिनेला क्राइसोकोलस के तने के अनुप्रस्थ काट, जैसे अलग अलग वंश के थोड़ा सा जातियों में अलग अलग हो जाता है। तो ये देख सकते हैं फ्लोइम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और ये पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स भाग, एपिडर्मिस भाग और एंडोडर्मिस भाग, ये सारे दे रखे हैं। तो रंभ कैसा होता है देख लेते हैं। सिलेजिनेला का रंभ ठोस रंभ प्रोटोस्टिल होता है और सिलेजिनेला की विभिन्न जातियों में रंभ में विविधता पाई जाती है, अलग अलग में अलग अलग होगा। जैसे सिलेजिनेला क्राइसोकोलस में रंभ एक रंभीय मोनोस्टिलिक और बाह्य आदिधारुक एक्सार्क व द्वि आदिधारुक डायार्क होता है, जबकि सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस में तने के ऊपरी भाग में एक्टिन स्टील प्रकार का ठोस रंभ होता है जिसमें प्रोटोजाइलम के 7 समूह उपस्थित होते हैं। तो ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, जैसे बेसिक पता होना चाहिए रंभ किस प्रकार का होता है। फिर पर्ण की आंतरिक संरचना, पर्ण में क्या क्या संरचना है, अपर एपिडर्मिस, इनर सेलुलर स्पेस होता है, मेसोफाइल पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम ये बाहर की ओर, अंदर जाइलम पाया जाता है, बंडल सीथ इसके बाहरी आवरण को कहते हैं और ये लोअर एपिडर्मिस नीचे वाली। तो सिलेजिनेला पर्ण की आंतरिक संरचना में बाह्य त्वचा सबसे पहले, पर्ण में स्पष्ट ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा होती है जो एक स्तरीय होती है। इनकी विशेषताओं में इनकी कोशिकाओं में हरितलवक होते हैं और रंध्र निचली या ऊपरी अथवा केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं, हरितलवक पाए जाते हैं। मेसोफाइल पर्ण हरित पाया जाता है, पर्ण मध्य तक मेसोफाइल कहते हैं, पर्ण मध्य तक यह मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है जिनके बीच बीच में बड़े बड़े वायु स्थल होते हैं। पर्ण मध्य तक कोशिकाओं में 1 से 8 प्यालेनुमा हरित लवक पाए जाते हैं, पर्ण मध्य तक में हरित लवक पाए जाते हैं। सवर्ण पुल कैसा होता है, तो पर्ण के केंद्रीय भाग में एक सकेंद्री सवर्ण पुल होता है, सकेंद्री सवर्ण पुल है जो स्पष्ट पुल आच्छद या बंडल सीट से घिरा होता है। जाइलम वाहिनिकाओं से बना होता है जिसमें विलयकार व सर्पिलकार स्थूलन पाए जाते हैं। तो ये थी राइजोफोर की पत्ती की यांत्रिक संरचना। फिर आगे है राइजोफोर की यांत्रिक संरचना कैसी होती है। हमने अभी सिलेजिनेला की पत्ती की और तने की संरचना पढ़ी है, फिर आगे है राइजोफोर की यांत्रिक संरचना जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।